एसजी महामंडल की बसें जिसे लाल परी के नाम से भी जाना जाता है, इसी लाल परी के पहिए बीते 4 से 5 दिनों से थमे हुए हैं। एसजी महामंडल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर होने गांव-गांव तक पहुंचने वाली लाल परी रास्तों पर दौड़ती दिखाई नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार है कि इन कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रही है। इसी के चलते अब बीजेपी पार्टी भी इस आंदोलन में इन कर्मचारियों के साथ है, ऐसा भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा कहा गया है। सरकारी विलीनीकरण सहित विविध मांगों को लेकर एसजी बस कर्मचारी बीते 4 से 5 दिनों से हड़ताल पर है। राज्य सरकार द्वारा मांगे पूरी न होने तक आंदोलन शुरू रहेगा, ऐसा भी इन कर्मचारियों द्वारा कहा गया है। इसी श्रृंखला में आज बीजेपी के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा भेंट देकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कर्मचारियों के साथ भाजपा इस आंदोलन में शामिल है, ऐसा बावनकुले द्वारा कहा गया है। या महामंडळाचा सरकारमध्ये विलीनीकरण करा, या सर्व मागण्याकरता मागच्या 4 महिन्यापासून 6 महिन्यापासून कर्मचारी हे निवेदन देऊन वारंवार बोलून पण राज्य सरकार आंधळं बहरं झालेलं आहे, मोगलापेक्षाही वाईट वागताय। आपण बघा, आज आझाद मैदानावर स्वयंपाक करून रात्रभर थंडीमध्ये लोक बसलेले आहेत, त्यांचा परिवार बसलेला आहे, आईवडील बसले आहे म्हातारे, पण या सरकारमधला कुणीही मंत्री किंवा सरकारमधले मुख्यमंत्री तुम्ही आमच्या कुटुंबातल्या आमच्या परिवारातल्या एवढेच बोलतात पण प्रश्न सोडवत नाही आहे। आणि म्हणून आज आम्ही सर्व एसटी कर्मचाऱ्याच्या मागणीला समर्थन पूर्वीच दिलं आहे, त्या दृष्टीने आम्ही आंदोलनामध्ये सहभागी झालो आहेत, पण जोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्याच्या परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याच्या जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही सुद्धा आता या आंदोलनामध्ये डायरेक्टली उतरलेलो आहोत। आणि निश्चितपणे हे आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याच्या दृष्टीने आजपासून भारतीय जनता पक्षाने विविध स्थानावर उद्या परवा नरवा जे जे ज्या ज्या ठिकाणी आंदोलन करते हैं त्या ठिकाणी आंदोलन आम्ही करू। साथ ही इस दौरान बावनकुले इन्होंने राज्य सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार इन कर्मचारियों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए राज्य सरकार के मंत्रियों पर मानव हत्या का गुनाह दर्ज करने की मांग करते हैं। साथ ही जल्द से जल्द इन कर्मचारियों के समस्याओं को हल करना चाहिए। पूरे राज्य में दिवाली के मौके पर एसजी महामंडल के कर्मचारी हड़ताल पर जाने से बड़ी समस्या निर्माण हुई है। अब देखना यह होगा कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की समस्या राज्य सरकार हल कर पाती है या नहीं, इस और पूरे राज्य की जनता की निगाहें टिकी हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।